बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम NN24 न्यूज़ HT के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं, खबर शामिल करते हैं गुजरात से। गुजरात में मोहम्मद अफजल की कीमती जमीन पर बासर मुलजिमान ने कब्जा कर लिया। गुजरात थाना टाडा के इलाके मौसू मोटा में पाक आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद अफजल की कीमती जमीन पर बासर मुलजिमान ने कब्जा कर लिया। थाना टाडा पुलिस ने बस तहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। 30 नवंबर 2023 को मुलजिमान अली सैफ, मोहम्मद यास्मीन, मतीनुल्ला वगैरह ने मंशूर होकर थाना टाडा के इलाके मौसू मोटा में सूबेदार मोहम्मद अफजल की कीमती 30 मरले अराजी पर वाकई कमरे को गिरा कर कब्जा कर लिया। दो माह गुजर गए तहाल बासर मुलजिमान के मुकदमा दर्ज न हो सका। अब बुलेटिन में बात होगी खुशाब से। खुशाब में मलिक नवीद ऐवान की वालदा के इसाले सवाब के लिए महफिल का इनेकाद किया गया। मरूफ समाजी व मजहबी शख्सियत हाजी मलिक रब नवाज की हमशीरा और प्रोफेसर मलिक नवीद ऐवान की वालदा के खत्म और इसाले सवाब के लिए महफिल जिक्र नात और दरूद शरीफ मुनक्किद की गई। अतवार की रात जामिया मस्जिद पीर बजवाल में मुनक्किद की जाने वाली इस बाबरकत रूहानी महफिल में इलाके भर से उलमाए किराम, मजहबी और समाजी शख्सियात और अहलियान इलाके की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल पाक में तलावत कलाम पाक, नात, जिक्र और दरूद शरीफ भी पेश किया गया। अब बुलेटिन में बात होगी ओकाड़ा से। ओकाड़ा में पुलिस का मुकाबला। ओकाड़ा थाना एडवीन की हदूद नवाही गांव 14L फाटे के करीब पुलिस मुकाबला। पुलिस और डाकू के मबैन क्रॉस फायरिंग से 3 डाकू गिरफ्तार, 2 फरार। ओकाड़ा 1W L फाटे के करीब पुलिस मुकाबला फायरिंग के नतीजे में 3 डाकू गिरफ्तार, अंधेरे का फायदा उठाते हुए 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार डाकू को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान के कब्जे से मोटरसाइकिल और नाजायज असला भी बरामद कर लिया गया। इस हवाले से DPO मंसूर रहमान का कहना था की ये डाकू फैसलाबाद रोड पर डिकेटी करके फरार हुए थे। इत्तला मिलने पर डाकू ने पुलिस का ताकुब किया, तो जब 1W फाटक के पास पहुंचे तो डाकू को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। डाकू ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसे पुलिस 1W डाकू की मोटरसाइकिल को लगी तो डाकू जमीन पर गिर गए। अब बुलेटिन में बात होगी रायगढ़ से। रायगढ़ में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने अपने हल्कों में कैंपेन तेज कर दी। रायवन रोड लाहौर NA125 PP165 गांव बुबतिया, रायवन रोड लाहौर PP165 के उम्मीदवार चौधरी शहजाद नजीर सिंधु का चौधरी सादिक जट के डेरे पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इलेक्शन करीब आते ही मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने हलकों में कैंपेन तेज कर दी और जोर तोड़ का सिलसिला भी जारी। गांव बुबतिया से PTI से चौधरी सादिक जट, जट बरादरी, मसीह बरादरी ने मुस्लिम लीग नून की हमायत का भी ऐलान कर दिया। अब आपको बताते चलें, जड़वार में चोरियों की वारदात ना थम सकी। जड़वार थाने की हदूद में चोरियों का अजारा कम ना हो सका। जड़वार थाने की हदूद गांव हासिल फकीर में आए रोज चोरियों से गांव वाले तंग हो गए। रात के अंधेरे और धुंध का फायदा लेकर चोर गांव हासिल फकीर से ट्रांसफर ले गए, जबकि हद की पुलिस जाए वकूं पर ना पहुँच सकी। गाँव वालों का कहना है की हम आए रोज के चोरियों से तंग आ गए। उन्होंने कहा की हम SSP घोटकी से अनवर कितरान से मुतालबा करते हैं की चोरों को पकड़ कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HT, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर उनके साथ।